भारत में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई होना शुरू हो गया है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन राज्यों तक पहुंचने लगी है, लेकिन देश में इन दो वैक्सीन के अलावा 4 अन्य वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। इनमें से किस वैक्सीन पर ताजा अपडेट क्या है, एक नजर जरूर डालिए। जी हाँ, नंबर 1 जाइडस कैडिला। दोस्तों आपको बता दें कि अहमदाबाद की कंपनी जाइडस देश में तीसरी वैक्सीन ला सकती है। दिसंबर 2020 में वैक्सीन का दूसरा ट्रायल पूरा हो गया है, जबकि 30,000 वॉलंटियर्स के साथ तीसरे ट्रायल की इजाजत मिल गई है। अन्य भारतीय वैक्सीन की तरह भी इस वैक्सीन को रखना भी आसान है। कंपनी के द्वारा इंट्राथर्मल वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है, जो सिर्फ स्किन पर लगाई जा सकती है। नंबर 2 स्पुतनिक वी। दोस्तों आपको बता दें, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की सफलता का रेट 90% से ऊपर माना गया है। इसका अभी भारत में ट्रायल चल रहा है, डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ काम जारी है। 2 ट्रायल पूरे हो गए हैं और तीसरा ट्रायल हो रहा है। भारत में इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने की इजाजत मिल चुकी है। वैक्सीन ने अपनी रिपोर्ट में 91.4% सफलता का दावा किया था। नंबर 3 बायोलॉजिकल ई। दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद की कंपनी द्वारा प्रोटीन आधारित वैक्सीन बनाने पर काम किया जा रहा है। अमेरिकी कंपनी के साथ इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है। दिसंबर में इसका पहला ट्रायल शुरू हुआ था और मार्च में इसका दूसरा ट्रायल शुरू हो सकता है। जी हाँ, इसी के साथ अब जान लीजिए नंबर 4 जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। दोस्तों आपको बता दें कि जिनोवा द्वारा डेवलप की जा रही mRNA COVID-19 वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच स्टोर किया जा सकता है। कंपनी को पहले फेज के ट्रायल की इजाजत मिल गई है, जबकि दूसरा ट्रायल भी मार्च में शुरू होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।